हाय एवरीवन। तो आज बनाने वाली हूँ मैं ढोकला। ढोकला यार मैंने बचपन में एक बार खाया था, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने अपनी लाइफ में तभी सोच लिया था कि मैं कभी भी नहीं खाऊंगी, पर यार आज मैं बना रही हूँ खुद से। अगर आपको मेरे ढोकला वाली स्टोरी जाननी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं अपनी स्टोरी किसी दिन बताती हूँ आपको ढोकला वाली। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे बेसन लिया, एक कटोरी बेसन में मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, बहुत कम कम मैंने डाला है, ज्यादा नहीं डालना है। इन्हें अच्छी तरह से मिला के थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना, क्योंकि एकदम से ना वो पानी डालोगे तो गुलती सी बन जाती है, जो कि फिर बेकार हो जाता है। अच्छी तरह मिलाने के बाद हमें ना 5 से 10 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। उसके बाद हमें इनो मिलाना है। मैंने यहाँ पूरा इनो, एक जो होता है ना, मैंने पूरा इनो डाल दिया था। इनो डालने के बाद मुझे अच्छी तरह से मैंने फेटा, फेटने के बाद फिर मैंने इसे ना 5 मिनट के लिए और रख देना है। तब तक हमें ना एक कुकर लेना है। कुकर में मैंने पानी डाला, फिर उसके बाद मैंने एक कटोरी उसके ऊपर रखी, फिर उसके ऊपर की सीटी एंड रबर दोनों ही निकाल देना है, तब बंद करना है। या तो आप प्लेट इसके ऊपर रख के एक ईंट या फिर मतलब कोई पत्थर वैसा इसके ऊपर रख देना, जिससे प्रेशर बना रहे, जिससे उसमें भाप अच्छे से लग पाए। अब यहाँ पे ना आपको 30 से 40 से 50 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे, जैसे आपने कभी केक बनाया होगा उस तरह से उतना टाइम तो लग ही जाएगा आपको धीरे। जब वो आप उसमें है ना कोई भी चाकू या चम्मच ऐसे डालेंगे ना तो उसमें चिपकेगा नहीं, तो आप समझ लेना आपका बिल्कुल तैयार हो गया है। फिर आप उसे निकाल के पीसेस काट लीजिएगा। उसके उसमें तड़का, क्या बोलेंगे, तड़का ही तो बोलेंगे, तड़का लगाने के लिए फिर मैंने उसमें तेल डाला, रिफाइंड मैंने यहाँ पर डाला था। उसके बाद मैंने राई डाली, राई के बाद मैंने हरी मिर्ची डाली। हरी मिर्च डालने के बाद जब आपका एकदम से बढ़िया सी मिर्ची थोड़ी सी सही हो जाए, उसके बाद आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक थोड़ी सी, अगर आपको डालना तो थोड़ा सा चीनी डाल देना, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा। और हमारा तड़का एकदम तैयार है। और इसे है ना हमें अपने उस ढोकले पे डालना है, अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला देना, और हरी मिर्ची के साथ आप इसे खाइए, क्या स्वाद है इसका, वाह। थोड़ा ठंडा हो जाए तभी खाइए तो बहुत टेस्टी लगेगा। एंड स्टोरी मैं आपको अगली बार बताऊंगी, आप कमेंट करेंगे। एंड वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। तब तक मिलती हूँ, बाय बाय।